है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, करंट कैनिंग कंडक्टर में निकालना है। ये देखो, ये आपके सामने एक कंडक्टर है, लंबा लॉन्ग कंडक्टर है, लंबा कंडक्टर है, ठीक। और इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट भी है, तो इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है। और इसका जो बीच में अगर आप रेडियस लें, तो वो रेडियस क्या है, मान लो वो रेडियस है ए, वो रेडियस है ए। इसमें तीन केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसका एक्सिस है, प्लीज एक्सिस है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम एक्सिस। तो आपको बी यहां पे निकालना है, नंबर वन। फिर सेकेंड केस है, आपको बी निकालना है कहां पे, एग्जैक्टली इसके सरफेस के ऊपर बी निकालना है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड है, आपको बी निकालना है इस वायर के अंदर बी निकालना है, ये थर्ड केस है। जैसे वो गॉस थ्योरम नहीं करते थे, एक शेल के अंदर ई निकालना है, उसके ऊपर ई निकालना है, उसके बाहर ई निकालना है। एक वायर कंडक्टर के अंदर बी निकालना है, सरफेस के ऊपर बी निकालना है और बाहर बी निकालना है, राइट। तो हम तीन केस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर केस नंबर वन करते हैं, और केस नंबर वन क्या है, केस नंबर वन में आपको जो बी निकालना है वो कहां पे निकालना है, बाहर निकालना है, मींस आर ग्रेटर देन ए, ए इज द रेडियस, बाहर निकालना है, ठीक है यहां तक। तो जहां पे आपको बी निकालना है वहां पर इमेजिन करें एक क्लोज्ड पाथ, ये लो इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ले लिया, ले लिया इमेजिनरी। करंट क्योंकि कहां पर है, इस तरफ है वायर में, करंट अगर ऐसे है तो बी वेक्टर कैसे होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। तो बी वेक्टर यहां पर अगर ड्रॉ करें या यहां पर ड्रॉ करें चलो, तो अगर करंट ऐसे है तो बी वेक्टर बोर्ड के बाहर होगा, इसमें आउट होगा। तो बी वेक्टर यहां पर है तो डीएल वेक्टर भी कैसे होगा, आउट ही होगा। तो बी और डीएल में एंगल क्या बनता है, सर्कल में हमेशा जीरो, ठीक है। तो ये क्लोज्ड पाथ के अंदर अगर आप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की क्लोज इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस जीरो, या फिर बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे इंटीग्रेशन भी है प्लीज, इंटीग्रेशन है डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या देगा आपको, बी इंटू टू पाई आर, इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि इसका रेडियस क्या है क्लोज पाथ का, आर, तो बी इंटू टू पाई आर। क्या पॉइंट क्लियर है, तो इस डॉटेड क्लोज पाथ के अंदर क्या आएगा, बी इंटू टू पाई आर आएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है। ये अगर ग्रीन कलर का क्लोज पाथ है, इसमें टोटल पूरे का पूरा करंट जा रहा है आई, पूरी वायर का करंट जा रहा है आई, तो क्या आप यहां पर क्या करें, म्यू नॉट टाइम्स आई, इक्वेशन नंबर टू। ये भी बी डॉट डीएल, ये भी बी डॉट डीएल, तो क्या आएगा, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, ठीक है यहां तक, ठीक। तो इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर लें, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट टू आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बी की वैल्यू सेम आंसर नहीं आ गया इनफाइनाइट वायर वाला। तो यानी कि अगर वायर थिन हो या वायर थिक हो जिसमें आई करंट हो, अगर आप किसी एक्सिस के बाहर बी निकालते हैं तो इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट लगेगा म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई बाई आर। कोई फर्क नहीं पड़ता थिन और थिक से, फर्क पड़ेगा वायर के अंदर। तो केस नंबर वन क्लियर है, तो बी की वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है अगर वायर के बाहर कोई पॉइंट है जहां पर आपको बी निकालना है। अब हम बात करते हैं केस नंबर टू की। केस नंबर टू में बी की वैल्यू जब आर ग्रेटर देन ए है तो म्यू नॉट बाई फोर बाई, अभी भी डिस्कस किया, टू आई बाई आर है, और केस नंबर टू है आर इक्वल टू ए सरफेस के ऊपर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई बाई, यहां पर क्या हो जाएगा ए, सरफेस के ऊपर आर और ए एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई बाई ए, कोई डाउट इसमें। अब तीसरा केस है कि अगर बी की वैल्यू, केस नंबर थ्री, मुझे अगर बी की वैल्यू निकालनी है आर लेस देन ए, यानी कि अगर ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, ये एक वायर है, ये इसका रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, और सपोज इसमें
मुझे यहां पे आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, मुझे यहां पे बी निकालना है, करंट इसमें सपोज आई है, तो मैं क्लोज्ड पाथ ऐसा लूंगा, ये मेरा एक क्लोज्ड पाथ है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो बी लाइंस ऐसे घूमेंगी। तो अगेन सेम वही स्टोरी कि बी की जो वैल्यू है इसमें अगर आउटसाइड है, ठीक है, बी की जो वैल्यू है इसमें अगर आउटसाइड है तो डीएल भी इसमें आउटसाइड ही होगा, सेम स्टोरी है। तो इस क्लोज्ड पाथ में अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लूं तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस ऑफ जीरो, राइट, या फिर बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्लोज पाथ का रेडियस आर है तो यहां पर क्या आएगा, टू पाई आर, इक्वेशन नंबर वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर आप बी डॉट डीएल निकालना चाहते हैं तो ऐसा फॉर्मूला यूज कर दें, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर जा रहा है, ये क्लोज पाथ देख रहे हो, इस शेडेड पोर्शन में कितना करंट है। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर टोटल एरिया ले लूं मैं, टोटल एरिया कितना पाए ए स्क्वायर, तो टोटल करंट कितना पास हो रहा है वायर में, आए, अगर वन ले लूं तो आए डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पाए ए स्क्वायर, और मुझे क्या लेना है, पाए आर स्क्वायर, क्योंकि क्लोज पाथ का एरिया क्या है, पाए आर स्क्वायर, तो क्या लेना है, आए डिवाइडेड बाय पाए ए स्क्वायर इनटू पाए आर स्क्वायर। तो सपोज ये आई डैश है, पाए से पाए कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू आई डैश, क्योंकि हमने वो करंट लेना है जो आर रेडियस में एंटर कर रहा है, और हमने वो एरिया वाइज निकाल दिया। ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी याद है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, को एरिया पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट आ गया, क्लियर है यहां तक। तो इसको यहां पर पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। तो आप वन और टू इक्वेशन को इक्वेट कर लें, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आर स्क्वायर ए स्क्वायर आई, एक आर से आर कैंसल, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय टू पाई, और कितना, आर इंटू आई डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो किसी भी वायर के इनसाइड ये फॉर्मूला होगा, राइट, आप फॉर्मूला बुकलेट में ये चीज नोट कर लें प्लीज। तो फॉर्मूला बुकलेट में ये तीन फॉर्मूलाज को नोट कर लें, पहला फॉर्मूला ये फिगर बना लें, पहला इसका रेडियस ए ले लें और ये रेडियस ये डिस्टेंस आर ले लें। तो पहले केस में क्या करेंगे, ये फिगर बना के बी की वैल्यू और आई इसमें अमाउंट ऑफ करंट है म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर, ये फॉर्मूला। फिर केस नंबर ये वन है, केस नंबर टू में व्हेन ए इक्वल टू आर, यानी कि वायर की सरफेस की बात हो रही है, सरफेस के ऊपर बी का फॉर्मूला लिख लें म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय ए ए। फिर केस नंबर थ्री ले लें, केस नंबर थ्री में ये वायर है, ये आई अमाउंट ऑफ करंट है, ये रेडियस ए है, और अपने को जो वैल्यू निकालनी है आर वो इनसाइड निकालनी है, तो बी इनसाइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू आर आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला चेक करना प्लीज कि टू भी है, टू भी है, न्यूमेरेटर में चेक करो, यही है इसका फॉर्मूला, है कितना, टू पाई है, अच्छा ठीक है टू पाई है, ओके। तो ऑब्वियसली फिर यानी कि टू है, या तो फोर पाई की जगह वो कर दो ना, टू पाई कर देते हैं, ये लो, ठीक, ये नोट करो। तो इनसाइड जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आउटसाइड जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो बी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करने को आता है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा कि जो बी इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये क्वेश्चन है। और इसके साथ ही एक सेकंड दिखा रहा हूं, एक मिनट, तो आपकी थ्योरी बुकलेट में एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन की हुई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आपकी एनसीईआरटी की बुकलेट है, केस नंबर वन ये रहा, सेम चीज़ है केस नंबर टू और केस नंबर थ्री, ये रहा, और ये ग्राफ है, ठीक है, आप वहाँ से नोट कर लें जहाँ से अभी आपने किया है,
तो फॉर्मूला बुक में नोट कर लें प्लीज़।